आप लोगों में से कमेंट गजब गजब का आता और उसी कमेंट को से लेकर के मुझे वीडियो बनाने पे मजबूर होना पड़ता। तो उसी सीरीज में एक कमेंट आया था कि सर ये बताइए कि ऑब्वियसली सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर करने के बाद, चाहे आप बीटेक हो चाहे पॉलिटेक्निक, ये मजदूर की तरह काम करते हैं क्या? हमने तो देखा हमारे रिलेशन में है कि मजदूर की तरह काम कर रहे हैं। इस पूरे वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे। और फर्स्ट टाइम अगर आप करियर अड्डा चैनल पे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अब देखो जो बात है मेनली ना, सिविल इंजीनियर की बात करते हैं। सबसे पहले सिविल इंजीनियर की बात करते हैं। देखो आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो इसमें लेबर की क्या बात है यार? अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप साइट पे हो, सिविल इंजीनियर हो, साइट पे हो, साइट पे आप जाओगे तो थोड़ा सा कपड़े तो गंदे होंगे होंगे। ऑफिस में बैठ के तो आप एसी में काम नहीं कर रहे हो। सिविल इंजीनियरिंग डिजाइनिंग में तो ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर साइट वर्क कर रहे हो तो उसमें आपको वो चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। आपका जो काम होगा वो लेबर के साथ ही होगा। आप लेबर के साथ बात करोगे, इंजीनियर हो, सुपरवाइजर के साथ बात करोगे, लेबरों के साथ मीटिंग करोगे, अपनी स्ट्रेटजी बनाओगे, अपनी प्लानिंग बनाओगे, उसके बाद एग्जीक्यूट करोगे ना कि हाँ भाई ये बिल्डिंग बनाने में इतना टाइम लेना है, इतने लेबर यहाँ जाएंगे, इतने लेबर यहाँ जाएंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ जाएंगी। लेकिन आप लोगों में से डर जाते हैं लोग, अरे हम लेबर के साथ कैसे बात कर सकते हैं, हम तो इंजीनियर हैं। ईगो हर्ट हो जाता है। तो ये अपने ईगो को प्लीज़ साइड में रखिए, अपने ईगो हर्ट मत कराइए, अपने ईगो को आप दूर रखिए, क्योंकि अपने ईगो को अगर आप सामने लेकर के आते हैं तो चीज़ें वहाँ आपके लिए प्रॉब्लम कर जाएगी। तो ईगो पे मत जाइए। देखो अगर आप अपना ईगो यहाँ पे लेके आते हैं ना तो शायद आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। उसी तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हो चाहे प्लांट में हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हो, अब गाड़ी बन रही है। अब मैंने ऐसे ऐसे इंजीनियरों को देखा ना, पूरे कपड़े गंदे होते जैसे लगता है मैकेनिक है वो। ऐसे ऐसे मैंने अपने दोस्तों को देखा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, मिलने उनसे गया, वो काम कर रहे हैं, कोई इंजीनियर वहां पे वर्क कर रहा है, नहीं चीजें समझ में आ रही, वो खुद ही करने शुरू कर दिए कि ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो उसमें उनके कपड़े गंदे हो जा रहे हैं और सारी चीजें हो जा रही हैं। तो उसमें टेंशन हो या हेडेक लेने वाली बात नहीं है कि यार वहां पर लेबर जॉब होता है। अपने जॉब से आपको प्यार है ना। अब मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं। जब फर्स्ट ईयर में हमारी वर्कशॉप होती है इंजीनियरिंग में, बीटेक हो या पॉलिटेक्निक, फर्स्ट ईयर में जब वर्कशॉप होती है तो हम लोग जो जॉब करते हैं, लकड़ी कट करते हैं कि नहीं, हर चीज से कट करते हैं, छीनी, ये फलाना ढिकाना जो भी होता है, लेथ मशीन पे वर्क करते हो ना, मैकेनिकल वाले लेथ मशीन पे अपने जॉब वर्क करते हो, ड्रिल करते हो, ड्रिल मशीन पे वर्क करते हो। तो ऑब्वियसली देखो जब आप यहां पे काम कर रहे हो, लेथ मशीन पे काम कर सकते हो, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री में भी इसी तरह से काम होता है, कि इंडस्ट्री में आप साहब बन करके बस बैठे रहेंगे और चीज़ें चलती रहेंगी। देखो इंजीनियर हैं, आपको काम तो करना ही पड़ेगा ना। अब आप साइट पे हो, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में हो, तो वहाँ चीज़ें तो उस तरह से होंगी। वहाँ पे आप एसी तो पूरा लगा नहीं हुआ कि आप आराम से लैपटॉप पे बैठ के काम कर रहे हैं। लैपटॉप पे बैठने के काम वाला काम जो है वो डिज़ाइन इंजीनियर का काम है। तो डिज़ाइनिंग में जो लोग रहेंगे वो लोग इस तरह की जॉब करेंगे। अब इसको आप लोग दिल पे मत लिया करिए, मैं बता रहा हूँ। देखिए जब हमने अपना करियर स्टार्ट किया तो हमने भी बहुत छोटे छोटे काम किए थे। ऐसे ऐसे काम गिनवाएंगे ना, आपको लगेगा सर ऐसे भी काम होते हैं। आईटीआई लेवल पे भी बहुत, मतलब ऐसे काम होते हैं कंपनियों में, जैसे लोगों को लगता है कि लेबर है। लेकिन आप उसको ईगो हर्ट मत करिए, उससे अपने आप को वो मत लाइए माइंडसेट में कि मैं लेबर हूँ। अरे भाई आप इंजीनियरिंग किए हो, उसी चीज़ से रिलेटेड काम कर रहे हो जो फर्स्ट ईयर में आपने, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर तक आप प्रैक्टिकल करते आए हो। अब जब वो इंडस्ट्री में करने की बात आई तो आप कहोगे मैं लेबर हूँ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। जब तक आप अपनी सोच मॉडिफाई नहीं करोगे तब तक आगे कैसे आप बढ़ोगे? अब ऐसे लोग आकर के कमेंट करेंगे कि हाँ लेबर टाइप में जॉब होती है, तो 10 लोग और डिमोटिवेट होंगे। शायद इसी वजह से वो ब्रांच लेने से भागेंगे। शायद उनके माइंडसेट में मल्टीपल क्वेश्चन होंगे कि नहीं ये तो ब्रांच ही बेकार है, इस ब्रांच से तो लेबर की तरह जॉब मिलती है, इस ब्रांच का कोई फ्यूचर नहीं है, इस ब्रांच का कोई स्कोप नहीं, इस ब्रांच के करने के बाद कोई करियर ऑप्शन नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आप अपने माइंड से हटा दीजिए और अपने करियर को एक स्मूथ डायरेक्शन में लेकर चलिए। देखिए मैकेनिकल और सिविल दोनों ऐसी ब्रांच है जिनके लिए फ्यूचर में बहुत अपॉर्चुनिटी है। फ्यूचर अपॉर्चुनिटी 2025-2026 एक रिवोल्यूशन लाएगा, क्रांति लाएगा इन दोनों ब्रांचों में। जितना आप सीएस और आईटी के बारे में सुन रहे हो, आने वाले टाइम में उसमें भी बेरोजगारी आएगी, लेकिन ये नहीं है कि इतनी बेरोजगारी आएगी जॉब नहीं मिल रही, उसमें और भी रोजगार भी बढ़ेंगे। लेकिन इतने लोग जब इंटरेस्टेड हो रहे हैं, अब 100 लोग हो जा रहे हो इंजीनियरिंग करने, 95 लोग सीएसआईटी ले रहे हो, 5 लोग मिलकर के, 2 लोग 3 लोग सिविल में जा रहे हो, 2-1 लोग मैकेनिकल में जा रहे हो, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में कुछ लोग जा ही नहीं रहे हैं, कुछ लोग का मन ही नहीं लग रहा है, तो उसमें चीज़ें समझ से बाहर हो जाएंगी। वहाँ पर आपको डिसाइड करना होगा क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मेरे लिए चीज़ें सही हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि जो भी ब्रांच लीजिए उसका फ्यूचर देख करके,
ये नहीं कि जब पास आउट होता तब आपको लगा अरे यार ये तो लेबर टाइप में जॉब होती है, ये तो इस टाइप में जॉब होती है। हमारे टाइम में ऐसा बताने वाला कोई नहीं था, लेकिन आपके टाइम में ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए इसीलिए इंडस्ट्री ओरिएंटेड लेते आता रहता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके और चीज़ें आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सको अपनी लाइफ में, अपने आप को दिमाग लगा सको और सेटिस्फैक्शन हो सकते, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, तभी जा करके चीज़ें काम करेंगी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही होगा, इस वीडियो आपको समझ में आएगा। जो लोग टेलीग्राम पर हो, करियर चैनल टेलीग्राम पर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट पिन कर दे रहा हूँ, जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।